श्री महावीराय नम श्री द्वादशांग आचार्य श्री महावीर कीर्ति आदिगर सागर गुरुभ्यो नमो नम मोक्षारगस्ताे कर्म भूभुता वंदे पहले अधिकार में मोक्ष मार्ग की चर्चा करके सूत्रकर्ता ने सम्यक दर्शन प्रमाण प्रमाणाभास और नय की चर्चा की थी दूसरे अधिकार के द्वारा भाव भेद लक्षण विग्रह गति योनि जन्म शरीर लिंग और अनपवर्त्यायुषत्व की चर्चा हुई थी अब जीवों का परिभ्रमण क्षेत्र कौन सा है इसकी चर्चा करते हुए अधोलोक और मध्यलोक इन दो लोकों की चर्चा इस अधिकार में की जाएगी पहले अधिकार में एक सूत्र आया था भव प्रत्योवधिर देव नारकाणम दूसरे अधिकार में भी सूत्र आया था देव नारकाणा मुपाद एक सूत्र और आया था नारक सम्मूर चिनो नपुंसका तो नरक होता है इत्यादि का ज्ञान तो संकेत द्वारा हो चुका है किंतु वे कहा है वहां पर जीवों की क्या व्यवस्था है इत्यादि विषय में कोई विवेचन नहीं हुआ था उसी विवेचन को करने के लिए यहां पर इस अधिकार का प्रणयन किया गया है सबसे पहले संपूर्ण लोक का निर्देश करते हैं रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताहोद इसमें जो प्रभा नामक शब्द है वो दीपक है अतः उसका प्रयोग सभी पदों के साथ करना है प्रभा से पूर्व में जो शब्द आए उनकी संख्या सात है अतः प्रभा शब्द सात बार प्रयुक्त होगा रत्न प्रभा शर्करा प्रभा वालुका प्रभा पंक प्रभा धूम प्रभा तम प्रभा और महातम प्रभा ये क्या है तो भूमया ये भूमिया है कितनी है सप्त सात है इनका अवस्थान का व्यवस्था क्रम क्या है अधोदह नीचे नीचे है अर्थात ऊपर ऊपर नहीं है अथवा रूप से नहीं है नीचे नीचे की ओर है इनको आश्रय देने वाले तीन वलय है घन वलय अंबु वलय और वात वलय और उन सभी को घेर करके आकाश है इसका अर्थ प्रतिष्ठा शब्द का हम अर्थ करेंगे रत्न प्रभा शर्करा प्रभा से प्रतिष्ठित है इस तरह आगे आगे बढ़ेंगे अंत में ये संपूर्ण लोक आकाश से प्रतिष्ठित है तो सात भूमिया तीन वलय आकाश इनकी चर्चा करके अवस्थान का क्रम इस सूत्र द्वारा कहा गया दूसरा सूत्र प्राप्त होता है जिसमें नरक में पाए जाने वाले बिलों की संख्या कही जा रही है ताश पंच विंशति पंच दश दश त्रिपंचोनक नरक शत सहस्त्राणी पंच चैव यथाक्रम तासु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है और स्त्रीलिंग है क्योंकि यह सर्वनाम है नाम के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग होता है और नाम था भूमय भूमि पृथ्वी जो कि स्त्रीलिंगी है उसके बाद यथाक्रम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है अनुपूर्वी से अर्थात पूर्वानुपूर्वी से अब क्या करना है पहला सूत्र यहां स्थापित करना है पहले सूत्र में सात नाम प्रभा शब्द से अंकित करके दिए गए थे उन सात नामों के नीचे यहां संख्या स्थापित करनी है और जितनी संख्या हम स्थापित कर रहे हैं जहां तक सहस्त्राणी शब्द नहीं आता वहां तक प्रत्येक संख्या के साथ सहस्त्राणी शब्द जोड़ना है तो रत्न प्रभा शर्करा प्रभा वालुका प्रभा पंक प्रभा धूम प्रभा तम प्रभा महातम प्रभा ये सात भूमिया है अब इनमें अब क्रम से लगाना है त्रिशत शत सहस्त्राणी शतसहस्त्र अर्थात लाख त्रिश अर्थात तीस तीस लाख पंचविशत शतसह पच्चिस लाख पंचदशसह शतसह पंधरा लाख दशस्त्राणी दस लाख थ्री अर्थात शतसह्राणी तीन लाख अब क्या करना है पंच ऊन एक पांच कम एक अर्थात निन्यानवे हजार नौ सौ पिचानवे ये अब यहां शत सहस्त्राणी नहीं आएगा क्योंकि एक से कम है तो शत सहस्त्रम आएगा अर्थात एक वचन का प्रयोग होगा तो यहां सूत्र प्रयोग होगा अर्थवशात विभक्ति परिणाम अर्थ के वशात विभक्ति का परिणाम होता है अर्थात परिणाम होता है तो सहस्त्राणी के स्थान पर सहस्त्रम का प्रयोग होगा अब यहां जो नरक शब्द है वो नरक शब्द का अर्थ यहां पर नरक न लेकर के नरक के बिल लेने हैं अब ये तो छह ही संख्या हुई पृथ्वियां तो सात बताई थी तो छठे नरक में निन्यानवे हजार नौ सो पिचानवे बिल बताए गए अर्थात पांच कम किए गए थे वो पांच सातवें नरक में पाए जाते हैं तो पंच च एव और पांच ही अर्थात सातवें नरक में केवल पांच ही बिल होते हैं ये बहुत सामान्य कथन हुआ है सूत्र ग्रंथ है और वो भी संक्षिप्त ग्रंथ है विस्तार की बात करें तो एक प्रसंग आता है टीका ग्रंथों में कि नरक के बिल तीन प्रकार के होते हैं इंद्रक श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक जो मुख्य बिल होते हैं उनको इंद्रक कहते हैं ये मध्य भाग में होते हैं इंद्रकों की संख्या भी दी गई है पहले नरक में अर्थात रत्न प्रभा में तेरा और अंतिम नरक में अर्थात महातम प्रभा में एक अब बाकी नरकों में कैसे करना है तो दो दो की संख्या कम करते जानी है अर्थात पहले नरक में तेरह दूसरे नरक में ग्यारह तीसरे नरक में नौ चौथे नरक में सात पांचवे नरक में पांच छठे नरक में तीन और सातवें नरक में एक दुआ। इंद्रकों के पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर अग्नेय नैरुत्य वायव्य ईशान इन दिशाओं में जो बिल पाए जाते हैं इनको श्रेणीबद्ध बिल कहते हैं श्रेणी यानी पंक्ति बद्ध हुए। अर्थात पंक्ति के रूप में जो बंधे हुए है, उनको श्रेणी बद्ध हैं, उनको श्रेणीबद्ध कहते हैं श्रेणीबद्ध की भी संख्या दी हुई है जैसे पहले नरक में तेरह इंद्रक बिल थे उसमें से पहले इंद्रक बिल के दिशाओं में अर्थात पूर्व पश्चिम पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर इनमें उन पचास उन पचास बिल होंगे और विदिशाओं में अड़तालीस अड़तालीस बिल होंगे अब दूसरे की क्या स्थिति होगी पहले में उनपचास थे दिशाओं में विदिशाओं में थे अड़तालीस अब दिशाओं में होंगे अड़तालीस और विदिशाओं में होंगे सैतालीस अर्थात एक कम तीसरे में क्या होगा दिशा में होंगे सैतालीस विदिशाओं में होंगे छियालीस कुल मिलाकर के उन पचास पटल है अतः उनपचास में अर्थात सातवें नरक में जो एक इंद्रक बिल था उस एक इंद्रक बिल में दिशाओं में एक इंद्रक होंगे लेकिन विदिशाओं में कोई इंद्रक नहीं होगा अतः दिशावर्ती चार और मध्यवर्ती एक ऐसे पांच इंद्रक बिल पांच बिल सातवें नरक में है तो इनको कहते श्रेणीबद्ध तो दोनों की संख्या निर्धारित हुई कुल बिलों की संख्या चौरासी लाख है उस चौरासी लाख में से यदि हमने इन दोनों की संख्या को कम कर दे तो प्रकीर्णक बिलों की संख्या आती है प्रकीर्णक बिल का अर्थ क्या है तो बिखरे हुए बिल अर्थात प्रमाण नहीं है कि वो उनका अवस्थान कहा होगा यत्र तत्र बिखरे हुए है और ऐसे बिखरे हुए होने के कारण से इनको प्रकीर्णक कहते हैं कुल मिलाकर के इंद्रक श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिलों की संख्या चौरासी लाख होती है अब उसके संबंधित सरवार सिद्धिकार ने सुस्पष्ट किया है कि पहले इंद्रक में पहले नरक में इंद्रक है तेरा उनको मिलाने बाद श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या होती है चार हजार चार सौ तैतीस और प्रकीर्णक बिले उनतीस लाख पिचानवे हजार पांच सौ सड़सठ इस प्रकार से प्रत्येक के विषय में करते जाने चाहिए तो जब संपूर्ण इंद्रक और श्रेणीबद्ध को मिला देंगे अर्थात उन पचास इंद्रक और संपूर्ण श्रेणीबद्ध को मिला दिया जाएगा तो नौ हजार छह सौ त्रेपन बिल इंद्रक और श्रेणीबद्ध होंगे और शेष तिरासी लाख नब्बे हजार तीन सौ सैतालीस बिल ये प्रकीर्णक बिल होंगे प्रकीर्णक कहिए पुष्प प्रकीर्णक कहिए दोनों समान है इनमें से कुछ बिल संख्यात योजन विस्तार वाले हैं कुछ बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं इसके संबंधित सर्वार सिद्धिकार का कहना है कि चौरासी लाख बिलों में पांच का भाग दो एक भाग प्रमाण बिल संख्यात योजन वाले हैं और बाकी बचे हुए मतलब 20 प्रतिशत बिल संख्या वाले हैं और 80 प्रतिशत बिल असंख्यात योजन वाले हैं तो ये वर्णन इसके संबंधित गणित और इनके संबंधित सारे प्रकरण ग्रंथांतरों में विस्तार से दिए गए हैं संक्षिप्त ग्रंथ होने के कारण यहाँ उसका विस्तार नहीं दिया गया है थोड़े में बहुत समझ लेना चाहिए नारकी जीव किन विशेषताओं से संपन्न होते हैं तत्संबंधित कहते नारका नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया नारका अब यहां पर नारका लिखा है नरक में उत्पन्न होने वाले जीव को नारक कहते हैं तो नारका अर्थात नरक में उत्पन्न होने वाले जीव नित्या ये जो नित्य शब्द है वो सबके साथ लगना है और इसी तरह अशुभतर शब्द जो है वो सबके साथ लगना है तो नित्य ही अशुभतर लेषा से युक्त तो होते हैं नित्य ही अशुभतर परिणामों से युक्त तो होते हैं नित्य ही अशुभतर देह से युक्त तो होते हैं नित्य ही अशुभतर वेदना से युक्त तो होते हैं और जब भी वो अपने शरीर की विक्रिया करेंगे अर्थात रूप परिवर्तन करेंगे वो अशुभ ही है दूसरा कोई रूप वो ले ही नहीं सकते हम जब ये पढ़ते हैं कि वहां पर कोई विविध प्रकार के प्राणी या कीड़े ये सब उसके शरीर को नोचते हैं, इत्यादि तो वस्तुतः वहाँ वहां कीड़े तो हो ही नहीं सकते क्योंकि विकलत्र होते नहीं और कीड़े तो विकलत्र में आते हैं तो फिर क्या होता है नारकी ही उस प्रकार का वेश करके परस्पर पीडित करते हैं तो जब भी वो विक्रिया धारण करेंगे वो उसी प्रकार की विक्रिया धारण करेंगे क्योंकि उनका संस्थान है अतः वो कभी भी शुभ शरीर वाले नहीं हो सकते ऐसे अत्यंत पाप के फल को भोगने वाले वे जीव होते हैं परस्परों दीरित उदीरित अर्थात उत्पन्न करने वाले परस्पर में एक दूसरे को दुख उत्पन्न करने वाले वो जीव होते हैं अथवा यू कहे कि उनके दुख परस्पर के द्वारा उदीरित होते हैं अर्थात उत्पन्न कराए गए होते हैं यहाँ के कितने ही घनिष्ठ संबंधी क्यों न हो, कितने ही प्रगाढ़ मित्रता को धारण करने वाले क्यों न हो, नरक में जाएंगे तो क्षेत्रीय प्रभाव से वो नियम से एक दूसरे को पीड़ा देने वाले ही होंगे जैसे कुत्ता अपने ही जात भाइयों को देख करके क्रोधाविष्ट होता है और निरंतर उन्हें पीड़ा देने का प्रयत्न करता है ठीक उसी प्रकार नारकी भी एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को पीड़ित करने के लिए तत्पर होते हैं ये जो दुख है ये क्यों होते हैं तो उसका एक कारण है सम्यक दृष्टि छोड़कर जो शेष नारकी है उनमें नारकियों में भव का नाम तो अपन ने समझ ही लिया था कि नारकियों में अवधि ज्ञान नियम से होता है तो जिनमें सम्यक दर्शन नहीं है उन नारकियों में भव प्रत्यय से उत्पन्न होने वाला ऐसा मिथ्या दर्शन है अर्थात कु अवधि ज्ञान है और उस अवधि ज्ञान के कारण से उन्हें जो भी बात समझ में आएगी जैसे एक उदाहरण के लिए समझ ले मां का जीव था एक बेटे का जीव था मां ने बेटे की आंखों को सुसंस्कृत करने के लिए दृष्टि की वृद्धि करने के लिए काजल लगाया काजल के लिए आंखों में अंगुली डाली अब जब वो नारकी का अवधि ज्ञान होगा वो नारकी ये सोचेगा कि मेरी आंखें फोड़ने के लिए मेरी माँ बन करके इसने आंख डाली मतलब हाथ अंगुली डाली थी मेरे आंखों में अब चूंकि उसने उल्टा सोचा है तो उसमें क्रोध की उत्पत्ति होगी और यदि क्रोध की उत्पत्ति होगी तो नियम से उससे पीड़ित करने के लिए प्रयत्न करेगा उस जीव को तो इस प्रकार के अपने ही परिणामों की विकृति से दूसरे को विकृत समझ करके वे नारके एक दूसरे को पीड़ित करते रहते हैं इतने ही दुख ऐसा नहीं है और भी दुख उनके पास है उसके विषय में कह रहे हैं संकलिष्टा सुरुदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या प्राक इन्हें पूर्व तक किससे पूर्व तक तो चतुर्थ्या चौथे नरक से पूर्व तक च और भी दुख होता है कौन सा दुख होता है संक्लिष्ट असुरोदीरित संक्लेश परिणाम के धारक असुर कुमार जाति के देवों के कारण दुख होता है यहां थोड़ा समझ लीजिएगा भवन वासियों के दस भेदे जिनका वर्णन चतुर्थ अध्याय में आएगा उनमें पहला भेद है असुर कुमार अब ये प्रमुख भेद हुआ जैसे मनुष्य के हमने चार भेद कर दिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्षुद्र तो कुछ क्षत्रिय जो है वो एक प्रकार के नहीं है ब्राह्मण जो है वो एक प्रकार के नहीं है क्षत्रियों की बात करें तो इक्ष्वाकुवंशीय हरिवंशीय नाथवंशीय शीय आदि अनेक प्रकार के वंशीय है तो उनकी अपेक्षा उनमें भेद होते हैं वैसे असुर कुमार जाति के देवों में भी कई प्रकार के भेद है उनमें से अम्बरीश अंबावरिश आदि कतिपय जातियां ऐसी है जिनमें अत्यंत तीव्र संकलेश पाया जाता है और उस संकलेश से युक्त वो असुर कुमार जाति के देव नरकों के नारकियों में वैर को उत्पन्न कराते हैं और परस्पर युद्ध करवाते हैं सिद्धि के अनुसार तपेवे लोहे का रस पिलाना लोह स्तंभ से चिपका देना लोह के मुद्गरों से ताड़ना करना कूट या शालमली वृक्ष पर अवरोण या अवतरण कराना आयुध से अभिघात कराना तलवार आदि से काटना गरम तेल से सींचना लोहे के घड़े में पकाना भाड़ में भूंजना, यंत्र द्वारा पेलना या वैतर नाम के नदी में पटकना इत्यादि दुख जो दिए जाते हैं वो सारे के सारे दुख ये असुर कुमार जाति के देव उस नरकों में करते हैं क्योंकि देवों का गमनागमन अधिकतम तीसरे नरक तक हो सकता है अतः ये देव तीसरे नरक तक ही जाते हैं और वहां जा करके वो इस प्रकार के दुख देते हैं। अब प्रश्न है उनकी आयु कितनी है तो है तेस्वे कत्र सप्तदश सप्तदश दवा विंशति त्रयत्रिशत सागरोपमा सत्वास्थिति ही तेषु उनमें अब एक बात यहां किसे ले नरक या नारक नरक भूमिया है और नारक नरक में रहने वाले जीव है तो यहां नरक ले या नारक ले क्योंकि तेशु शब्द से किनका होना चाहिए तो पहली बात तेषु शब्द पुल्लिंग है सप्तम का बहुवचन आप दूसरे सूत्र को पुनः देखें उसमें तासु था यदि पृथ्वियों का वर्णन करना होता तो तासु कहते तेशु नहीं कहते। तेशु कहा है इसका अर्थ पुल्लिंग का ग्रहण है अब दूसरी बात भूमियों की आयु यदि अल्प हो तो नारकी अनादि अनंत नहीं सिद्ध हो सकते नाना जीवों की अपेक्षा नरक अनादि है और अनंत है अतः नारकियों की स्थिति नहीं है तो किसकी स्थिति है नरक नरक में रहने वाले जीवों की स्थिति है तो यहां तेषु शब्द से किसे लेना है नरक के जीव उनकी सत्वा नाम, सत्वा नाम शब्द दे ही दिया है जीवा नाम अर्थात जीवों की उन नरकों में रहने वाले जो जीव है उनकी परा अर्थात उत्कृष्ट स्थिति अर्थात अवधि काल मर्यादा अब क्या करना है सागरोपमा इनका प्रयोग करना है पुनः एक नियम ध्यान रखना है वह है अर्थवशात विभक्ति परिणाम तो एक सागरोपम आएगा एक सागरोपमा नहीं होगा किंतु बाद में त्रि साग्रोपमा, सप्त सागरोपमा दश सागरोपमा सप्त दश सागरोपमा द्वाविंशति सागरोपमा और त्रै साग्रोपमा ये स्थिति का प्रमाण होगा अर्थात अब वापिस क्या करना हमको यथाक्रम सूत्र लाना है मतलब यथाक्रम शब्द का अध्यय करना है और यथाक्रमम सूत्र लाने के मतलब अध्ययार करने के लिए पहला सूत्र यहाँ रखना पड़ेगा और कहा तक रखना पड़ेगा प्रभा शब्द तक अर्थात रत्न शब्द से प्रारंभ करना है प्रभा शब्द तक जितने सात नाम आए हैं उनको यहां स्थापित करना है और उसके नीचे स्थिति को स्थापित करना है अब अर्थ करते जाना है यथा क्रमम के द्वारा रत्न प्रभा में जो नारकी है उनकी उत्कृष्ट आयु एक सागर इसी तरह क्रम से बढ़ना है तीन सागर सात सागर दस सागर सत्रह सागर बाईस सागर और तैतीस सागर तो सात नरकों के नाम हो गए उसके नीचे स्थिति स्थापित हो गई यथाक्रम सूत्र से हमने उन सातों को इन सातों स्थितियों के साथ लगा दिया तो एकदम सरल से इसका अर्थ हो जाएगा सागर शब्द बड़ा गंभीर है 2000 कोस गहरा 2000 कोस लंबा 2000 कोस चौड़ा ऐसा गड्ढा बनाइए इस गड्ढे में उत्तर भूमि में उत्पन्न हुए भेड़ के एकदम सद्यजात जात शिशु समझ लीजिए ऐसे भेड़ के बालों से उस गड्ढे को भर दीजिए जिस पर से चक्रवर्ती का कटक भी निकल जाए और उस बालों के दो टुकड़े ना इतने बारीक बाल होने चाहिए अब सौ साल में एक बाल निकालना है वो जिस दिन खाली हो जाएगा गड्ढा इसे कहते पल्य पल्य का अर्थ होता है गड्ढा इसको कहते पल्य पल्य कहिए व्यवहार पल्ल कहिए ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्ले का एक उद्धार पल्य ऐसे असंख्यात उद्धार पल्ले का एक अध्यापल और दस कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ल का एक सागर होता है जिन लोगों को जिन शासन के शब्दावली का परिचय नहीं है उन लोगों ने इसका बहुत उपहास किया एक विरोधी संप्रदाय है जिनका काम केवल जैनों का विरोध करना उन्होंने पुस्तक लिखी मैं उनका नाम यहां नहीं लेना चाहता पुस्तक का नाम जरूर बताऊंगा पुस्तक का नाम है जैनों की सौ गप गप का अर्थ होता है झूठ का पुलिंदा जैनों की सौ गप और उसमें उन्होंने लिखा कि वो कहते इतनी दो हजार लंबा दो हजार कोस गहरा दो हजार चौड़ा गड्ढा बनाइए तो क्या इतना बड़ा गड्ढा कोई बना सकता है क्या फिर उसको बालों से भरिए कोई भर सकता है क्या फिर उसमें से एक एक बाल निकालिए कोई निकाल सकता है क्या इस तरह की सब बेकार की बातें हैं नहीं है पहले तो जैन व्यवस्था को समझने की कोशिश कीजिए मेरे को एक विद्वान ने पूछा था कि महाराज क्या ऐसा किसी ने करके देखा है मैंने कहा भैया मनुष्य की आयु कितनी है तो भो भोग भूमि मनुष्य की वो भी उत्तम भोग भूमि मनुष्य की उत्कृष्ट आयु तीन पल्ले की है और असंख्यात पल्ले बराबर एक उद्धार पल्ल असंख्यात उद्धार पल्ले बराबर एक आधा पल्ले और दस कोड़ी अद्धा पल्ल का एक सागर तो बताइए एक मनुष्य कैसे कर सकता है जहाँ पचास साठ फीट पर ही अच्छा सा पानी निकलता है बहुत से बहुत दो सौ ढाई सौ फीट पर पानी निकलता है वहां दो हजार कोस गहरा गड्ढा करेंगे तो क्या वो संभव है क्या तो नहीं है तो फिर जैनाचार्य ने ऐसा क्यों लिखा तो पहली बात जैनाचार्य ने मान शब्द का प्रयोग किया है मान शब्द का अर्थ होता है प्रमाण मान के दो भेद है संख्या मान और मान संख्याओं के द्वारा गणित करने को संख्यामान कहते हैं और उपमा मान अर्थात उपमाओं के द्वारा वस्तु तथ्य का प्ररूपण करने को उपमा मान कहते हैं मान यानी मापने वाला नाप करने वाला उपमा मान का अर्थ है किसी ने किया नहीं उपमाए दिए जैसे वो सागर जैसा गंभीर है तो क्या उसकी गंभीरता को किसी ने सागर से नापा क्या मैं भी यही प्रश्न करता हूं चांद जैसा मुख है तो किसी ने चांद को रखा हो मुख को रखा हो दोनों को नाप तोल के देखा हो और फिर बोला हो चांद जैसा मुंह हुआ क्या बोले नहीं नहीं ये तो उपमा है तो भाई उपमा का अर्थ क्या होता है के समान ऐसा नहीं कि किसी ने गड्ढा खोद करके देखा हो और उसके बाल निकाल के देखे और उसके आधार पर इसका प्रारूपण क्या ना यहां ये उपमा मान है अर्थात मानी गई व्यवस्था है क्योंकि सर्वज्ञ के लिए असंभव नहीं है अतः उनके लिए वो मान भले ना हो मैं हम लोगों के ज्ञान का विषय नहीं लिए। हमारे लिए मान है 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 वो वो अर्थात मापक तो उपमा मान है। कोई करके नहीं देख रहा है। इसके समान वो होता है ऐसा इसका बताने का अर्थ है इस प्रकार से अधोलोक का वर्णन करने वाला अधिकार समाप्त हुआ अब मध्य लोक की चर्चा करते हैं जम्बू लवनोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्राह जम्बू द्वीप ये द्वीप का नाम हुआ लवणोद ये सागर का नाम हो गया लवणोदधि आदय आदि नाम वाले शुभ नामानो वो भी नाम कैसे है शुभ नाम के धारक है क्या है द्वीप अब यहाँ पर ऐसा क्यों दिया क्योंकि नियम है पहला द्वीप होगा दूसरा समुद्र होगा फिर एक द्वीप होगा समुद्र होगा फिर एक द्वीप होगा समुद्र होगा अर्थात द्वीप के बाद समुद्र होगा समुद्र के बाद द्वीप होगा अतः एक द्वीप का नाम दे दिया गया एक समुद्र का नाम दे दिया गया और ऐसे शुभ नामान बहुवचन दे दिया गया शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र होते हैं उनकी विशेषता क्या है तो द्विर विष्कम्बाह पूर्व पूर्व परिक्षेपिणों वलयाकृत जैसे हम एक एक निर्णय करते चलते हैं जम्बू द्वीप एक लाख योजन का है अब हम आगे बढ़ते हैं आचार्य महाराज कह रहे द्वि द्वि अर्थात द्विर द्विर, रफार का विसर्ग हो जाएगा द्वि द्वि दुगुणे दुगुणे विष्काह विस्तार को धारण करने वाले तो द्वीप के बाद आता है लवणोदधि तो दुगुना विस्तार लेना है तो जम्बू द्वीप काम ने लिया एक लाख तो उसका हो गया दो लाख युजन उसके आगे धात की खंड है तो चार लाख युजन उसके बाद पुष्कर समुद्र है ये कालो समुद्र है तो आठ लाख योजन उसके बाद पुष्कर नाम का द्वीप है तो सोलह लाख उसके बाद पुष्कर समुद्र है बत्तीस लाख ऐसे करते चलना है अच्छा पहले तो क्या गया द्वीपा शब्द का अर्थ अब दूसरी बात कर रहे पूर्व पूर्व परिक्षेपिनो पूर्व पूर्व ने पहले पहले के जो है उनको आगे के परिक्षेप करके है अर्थात घेर करके है अर्थात जम्बू द्वीप को लवनो ने घेर रखा है लवनो को धातकी खंड ने घेर रखा है धात की खंड को कालो ने घेर रखा है कालो को पुष्कर समुद्र ने पुष्कर द्वीप ने घेर रखा है पुष्कर द्वीप को पुष्कर समुद्र ने घेर रखा है ऐसे आगे आगे बढ़ना है अच्छा इनका आकार कैसे है तो वलयाकृत ये वलय के आकार के है चूड़ी के आकार के है गोल है तन मध्य मेरु नाभिर वृत्तो योजन शत सहस्त्र विष्कम्बो जम्बु द्वीप मध्य उन संपूर्ण द्वीप समुद्र के मध्य में मेरु नाबी वृत्तो मेरु रूपी नाभि से युक्त और वृत्ताकार मेरु रूपी नाभि से युक्त भी है और वृत्ताकार अर्थात गोल है योजन शत सहस्त्र विष्कम्ब एक लाख योजन शतशास्त्र अर्थात लाख एक लाख योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप जम्बू नाम का द्वीप है भरत हैमवत, हरि, विदेह रम्यक रावत वर्षा क्षेत्राणि। इस जम्बू द्वीप में सात क्षेत्र एक बात ध्यान रखिएगा जम्बू द्वीप की व्यवस्था को आधार बनाकर सारी व्यवस्थाएं बताई गई अब वो चाहे विस्तार की हो चाहे आकृति की हो चाहे क्षेत्र आदि की हो चाहे परिवर्तन आदि की हो चाहे उसमें रहने वाले जीवों की हो मूल बनाया गया है जम्बू द्वीप की व्यवस्था को अतः जम्बू द्वीप की व्यवस्था को ये विस्तार पूर्वक कह रहे हैं तो जम्बू द्वीप में क्षेत्राणी क्षेत्र है कितने क्षेत्र है तो सात है अब वर्ष का अर्थ क्षेत्र होता है अतः वर्ष शब्द को सात बार लगाना है अंत दीपक सात बार लगाना है तो भरत वर्ष हेमवत वर्ष हरिवर्ष विदे वर्ष रम्यक वर्ष हिरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष चूंकि सात हो गए इसलिए बहुवचन है तो इस नाम के धारक क्षेत्र है अर्थात वर्ष की जगह हम क्षेत्र कर लेवे तो काम हो जाएगा भरत क्षेत्र हेमवत क्षेत्र हरि क्षेत्र फिर आप पूछेंगे अंत में क्षेत्र क्यों लिया है तो ये सात क्षेत्र है तो भरत क्षेत्र नाम का एक क्षेत्र उसमें है ऐसे सात क्षेत्रों के वहां पर क्षेत्र के रूप में ग्रहण है तद पूर्वापरायता हिमवन महा निषद नील रुकृणो वर्षधर पर्वता अब यहाँ पर फिर एक प्रश्न है कि एक जम्बू द्वीप आपने उसके सात क्षेत्र बताए तो सात क्षेत्र का विभाजन करने वाले कोई तो आधार होंगे आपने विभाजन कैसे किया मतलब सीमा रेखा कैसे माने कि यहां से यहां तक भरत क्षेत्र है वहां से आगे अमुक क्षेत्र है ऐसी सीमा कैसे बांधे तो आचार्य महाराज कहते तद विभाजिन उनका विभाजन करने वाले यानी क्षेत्रों का विभाजन करने वाले ऐसे वर्षधर पर्वता ऐसे क्षेत्र को वर्षधर क्षेत्र को धारण करने वाले कौन है तो पर्वत है कैसे वो पूर्व अपर पूर्व तो दिशा हो गई अपर भी दिशा हो गई अपर का अर्थ हो गया पश्चिम वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक आयत अर्थात लंबा पूर्व से पश्चिम तक आयत आकार को धारण करने वाला पहला हिमवन दूसरा महाहिमवन तीसरा निषद चौथा नील पांचवा रुक्मी और छठा शिखरिन ये पर्वत है तो छह पर्वत बीच में है तो सात भाग हो गए हेमा अर्जुन तपनीय वैडूर्य रजत मयाह जो पर्वत है उनके रंगों की चर्चा करते हैं ये जो मयट प्रत्यय लगा हुआ है सूत्र के अंत में मयट प्रत्यय का होता है मय बहुवचन में हो गया मयाह। ये जो मयट प्रत्यय लगा हुआ है ये छह बार लगाना है तो हेम मया मय एक वचन हो जाएगा यहाँ बहुवचनात्मक है अतः सबके साथ लगेगा तो एक वचन एक वचन हो जाएगा हेमय अर्जुन मय तपनीय वैडूर्यमय रजतमय और हेमय अर्थात पहला जो पर्वत है अब क्या करना है पिछला सूत्र यहाँ स्थापित करो उसमें जो हिमवंत शब्द से शिखरी शब्द तक आया है वहां तक के शब्द यहाँ स्थापित करने हैं उसके नीचे इस सूत्र को लिखना है और यथाक्रम के द्वारा तीसरे अध्याय में दूसरे सूत्र में यथाक्रम शब्द आया हुआ है उस यथाक्रम के द्वारा इसको जोड़ना है मतलब क्या हुआ हिमवन पर्वत हेमय अर्थात सुवर्ण के वर्ण वाला है इसी तरह आगे बढ़ते चलो छह पर्वतों के नाम और यहाँ छह रंग हो गए हेम का अर्थ होता है सोना अर्जुन का अर्थ होता है चांदी तपनिया का अर्थ होता है तपा हुआ सोना वैडूर्य का अर्थ होता है नीलमणि रजत का अर्थ हो गया चांदी और हेम का अर्थ हो गया सोना तो इस प्रकार के रंगों वाले ये पर्वत है मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले चतुल्य विस्तारा हा। विचित्र पार्श्वाह इनके जो दोनों पार्श्व दोनों तट है ये सारे की सारे विचित्र मणियों से अर्थात विचित्रकार तो अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के मणियों से विभूषित है जड़ित है अच्छा पर्वत जो होते नीचे बड़े होते और क्रमश ऊपर छोटे होते जाते हैं जो हम लौकिक पर्वत देखते हैं लेकिन ये पर्वत ऐसे नहीं ऊपरी मूले और चा। चा से लेना है ऊपर और मूल मूल के बीच में मूल नीचे ऊपर ऊपर और शब्द से लेना है मध्य में ऊपर मध्य में और नीचे तुल्य विस्तारा एक जैसे विस्तार वाले होते हैं सामान्य रूप से हम उदाहरण देना चाहे तो आज हम दीवारों का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे दीवार नीचे विस्तृत होती है वैसे ही वो ऊपर भी होती है और मध्य में भी होती है वैसे ही ये पर्वत होते हैं पद्म, महापद्म, महापुंड रदास रेशम ऊपरी, तेषाम ऊपरी, उन पर्वतों पर अब हमें फिर क्या करना है तो सबसे पहले ग्यारहवें सूत्र से हिमवन महामवन निषद नील रुक्मी शिखरिन ये छह पर्वतों के नाम यहाँ पर लिखने हैं और उसके नीचे हमें पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक और पुंडरीक लिखना है और फिर दूसरे सूत्र में आए हुए यथाक्रम इस शब्द से इस शब्द का अध्यय करके इनको जोड़ना है मतलब मैं एक जोड़कर बताता हूं पद्म हिमवान नाम के पर्वत पर पद्म नाम का तालाब है अब ऐसे ही जोड़ते चलिए मा हिमवान पर महापद्म नील पर केसरी रुक्मी पर महापुंडरिक और शिखरिन पर पुंडरिक नाम का रद अर्थात तालाब है प्रथमो योजना दर्द विश्कम्भो रदह अब तालाब की गहराई लंबाई और चौड़ाई ध्यान रखना दीवार और पर्वत की ऊंचाई होती है किंतु तालाब की गहराई होती है ठीक है ना तो हम अब चर्चा करते हैं पहला तालाब पहला तालाब से अर्थ क्या लेंगे तो पिछले सूत्र में पद्म नाम के तालाब को पहले नंबर पर रखा गया है तो वो तालाब कितना लंबा और कितना चौड़ा है तो कह रहे योजन सहस्त्र आयाम एक हजार योजन आयाम अर्थात लंबा और तत्विष्क उससे आधा चौड़ा है तो एक हजार लंबा तो पांच सौ योजन चौड़ा यह उस तालाब की लंबाई और चौड़ाई हुई दस योजनावगाह उसकी गहराई कितनी है तो दस योजन की है यहाँ पर बार बार एक शब्द आ रहा है योजन तो ये बड़ा योजन लेना है योजन के दो भेद है महायोजन और लघु योजन महायोजन जो होता है वो 2000 कोस का होता है अर्थात 6000 किलोमीटर बराबर एक योजन और लघु योजन जो होता है वो चार कोस का होता है अर्थात 12 किलोमीटर बराबर एक योजन तो ये दोन ध्यान रखना यहाँ पर और यहां जो कह रहे हैं वो महायोजन से सारी चर्चा चल रही क्षेत्रों की वगैरह तो तन मध्य योजना पुष्करम अब चूंकि पद्म तालाब का ही वर्णन चल रहा है इसलिए पिछले सूत्र से प्रथम शब्द यहां के स्थान पर लाना है अर्थात पहले तालाब में अब देखना कैसे कैसे शब्द से हमने लिया पद्म है ना और पद्म क्या है तो रद ये शब्द रद हम लोग तो कहां से लेना है तो चौदह नंबर के सूत्र में रद शब्द आया था पंद्रह में भी आया है तो हम पंद्रह से ले लेवे क्योंकि निकटवर्ती वही है तो अर्थ हो जाएगा पंद्रह मतलब उस पद्म नाम के तालाब में एक योजन का कमल है ये ध्यान रखना ये कमल पृथ्वी का एक होता है वनस्पति का एक नहीं अर्थात पृथ्वी से बना हुआ है पृथ्वी का विकार है वनस्पति का विकार नहीं है तिगुणा द्विगुणा रुष्करण अब आगे कैसे करना है तो द्विगुणा द्विगुणा डबल डबल करते जाना है द्विगुणित द्विगुणित करते जाना है अब इसके लिए थोड़ा सा हमें ठीक से समझना पड़ेगा क्योंकि यहां चकार का प्रयोग दो कारणों से किया है एक व्यवस्थापन स्थापित करना ठीक व्यवस्था करना अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा सिद्धांत विरोध हो जाएगा तो कोई भी एक वलय आप बना लीजिए वलय का अर्थ गोल वर्तुल तो उसमें नियम बनाए कोई भी आप एक कोना पकड़िए और उससे सामने कोने तक जाइए तो कोने से लेकर मध्य भाग तक वो बढ़ता हुआ मिलेगा और मध्य भाग से वापस कोने तक वो घटता हुआ जाएगा इसका अर्थ ये व्यवस्था कहां तक होती है आधे तक आधे के बाद कैसी होती है उल्टी होती जाती है मतलब इधर से बढ़ता गया था उधर से घटता जाएगा तो यहां पर तद द्विगुणा द्विगुणा जो लिखा है वो कहां तक लेना है तो तीसरे तालाब तक तीसरे के बाद चौथे तालाब की व्यवस्था तीसरे मत होगी पांचवे तालाब की व्यवस्था दूसरे तालाब के समान होगी और छठे तालाब की व्यवस्था पहले तालाब के समान होगी ये बताने के लिए यहाँ चकार का भी प्रयोग है तो द्विगुना द्विगुना क्या करना है तो पहले तो रदा केवल रदा अर्थात तालाब बोले नहीं पुष्करणीच कमलों को भी डबल डबल करते जाना है तो पहले अब अवगाना दी है विस्तार दिया है और पुष्कर की व्यवस्था दी है तो जो व्यवस्था दी है उसको डबल डबल करते चलो आगे की व्यवस्था अपने आप सिद्ध हो जाएगी तेव्य श्री ध्रुति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म पल्योपम स्थित सामानिक परिषद का आगे कह रहे कि तन उसमें निवास करने वाले अब उसमें निवास करने वाले नहीं। यहां पर किसका ग्रहण करना है तो वापिस हमें पीछे जाना पड़ेगा और हमारे पास सूत्र है पद्म महापद्म तिगिंच महापुंडरिक और पुंडरिक इनको यहां ले आइए और नीचे श्री री ध्रुति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी इनको स्थापित कीजिए और फिर यथाक्रम से इनको जोड़ लीजिए अर्थात पद्म तालाब में जो कमल है उसमें श्रीदेवी रहती है महापद्म तालाब में जो कमल है उसमें देवी रहती है ऐसे वहां के पर्वत का नाम वहां के तालाब का नाम और तालाब में होने वाले कमलों में उस देवी का नाम यथाक्रम शब्द से जोड़ लो इनकी आयु कितनी है तो पल्लोपम स्थित एक पल्ले अभी पल्ले का अर्थ अपन ने देखा था वो ही बालो वाला बाल निकाल करके गड्ढा खाली करने पर जितना समय लगता है उसको पल्ले कहते हैं तो अर्थात एक पल्ले इसकी स्थिति है मतलब श्रीदेवी की भी वही स्थिति री देवी की भी वही स्थिति सभी की यही स्थिति है अच्छा वो अकेली रहती है क्या तो नहीं ससामानिक परिषद का सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ रहती है इन देवों की क्या व्यवस्था है स्वयं ग्रंथकर्ता चतुर्थ अध्याय में बताएंगे अतः हम वही देखेंगे <hasing that> गंगा सिंधु रोहित रोहिता हरित धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण कूला रक्ता रक्तोदाह सरित तन मध्यगा तन्मध्यः उन क्षेत्रों के मध्य में अब यहाँ तन शब्द से शब्द से यहां क्षेत्र का ग्रहण करना है क्योंकि गा का अर्थ होता है मध्यगाह मध्य में बहने वाली तो पर्वत के मध्य में नहीं बहती पर्वत से निकलती है तो बहेगी कहा क्षेत्रों में इसलिए यहां पर शब्द से क्या लेना है क्षेत्र लेना है तो तन मध्यगाह उन क्षेत्रों में बहने वाली चौदह नदियां हैं अब इनके क्रम से नाम दे दिए इन्होंने गंगा सिंधु रोहित रोहित हरित धरिकांता सीता नारी नरकांता रक्तोदा पहले पर्वत से तीन नदियां निकली अंतिम पर्वत से तीन नदियां निकली और बीच के चार पर्वतों से दो दो नदियां निकली है इस तरह तीन तीन और आठ कुल मिलाकर के चौदह नदियां होती है इनकी बहने की व्यवस्था क्या है क्योंकि मध्यगा तो कह दिया तो क्या वो एक ही दिशा में बहती है तो कहते नहीं द्वयोर द्वयो हो पूर्वाहा पूर्वगाहा, दोनो दोनो में से पहली नदी अब हमें क्या करना है सूत्र का अर्थ करने के लिए बीसवें सूत्र को सामने रखना है अब इनके जोड़े हैं गंगा सिंधु का एक जोड़ा आप सूत्र जो हमने यहां पर प्रस्तुत किया उसको देख लीजिएगा दो नदियों के बाद हमने डैश किए इसका उद्देश्य ये है कि हम जोड़ा बना करके प्रस्तुत करें तो गंगा सिंधु एक जोड़ा हुआ रोहित रोहित दूसरा जोड़ा हुआ हरित कांता तीसरा जोड़ा हुआ सीता सितोदा चौथा नारी नरकांता पांचवा स्वर्ण रूप्य कुला अर्थात स्वर्ण कुला रूप्य कुला रक्ता रक्तोदा सातवा ये ध्यान रखना है कुला शब्द जो है वो दो जगह लगाना है सुवर्ण रुप्य कुला कुल मिलाकर ये चौदह नदियों के सात जोड़े हो गए अब हमारे दो सूत्रों का अर्थ एकदम सरल हो जाएगा द्वयो हो दोनों में से अर्थात द्वयो हो द्वयो हो दो, दो दो में से पूर्वाह पहला पहला स्त्रीलिंग है इसलिए पूर्वा शब्द आया अर्थात पहली पहली पूर्वगाह पूर्व में है अपन ने क्या किया था मध्यगाह का अर्थ मध्य में बैती है क्षेत्र में बहती है है ना तो पूर्व का अर्थ पूर्व दिशा की ओर बहती है अब हो गया दो दो में से पहली पहली की स्थिति हो गई दूसरी दूसरी की स्थिति क्या है तो शेषाहपरगा शेष जो नदियां है वो अपरगा अपर है पश्चिम पश्चिम दिशा की ओर बहती है और पश्चिम दिशा से लवण समुद्र में जाकर समाविष्ट होती है चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंधवादयो ये जो बड़ी नदियां होती है इनकी सहायक नदियां होती है तो कितनी होती है तो पहले दो नदियों की सहायक नदियों की यहाँ गिनती बता रहे हैं चतुर्दश नदी सहस्त्र चौदह हजार नदी इनसे परिवृत्त है अर्थात इनको घेरी हुई है ऐसी गंगा सिंधु नदी है अब गंगा सिंधु कह देते तो ठीक था आदि क्यों कह रहे हैं तो द्वयो द्वयो पूर्वा ये द्विर द्वीर विष्कंबा ये तद द्विगुण द्विगुणा रदा पुष्करणी शब्द से नदी का भी वर्णन करना है तो सहायक नदी भी दुगुनी दुगुनी होती जाएगी अर्थात गंगा सिंधु में सहायक नदी चौदह हजार है तो रोहित रोहिता आसा में सहायक नदी अट्ठाईस हजार हरित हरिकांता में सहायक नदी छप्पन हजार सीता सितोदा में सहायक नदी एक लाख बारह हजार चूंकि अब मध्य में आ गई अब उसके बाद क्या होगा आदि आदि होती जाएगी छप्पन अट्ठाईस और चौदह हम पहले वलय के बारे में समझ, समझा चुके हैं उससे आप निर्णय कर लीजिएगा तो कुल मिलाकर के इतनी सहायक नदियां होती है भरत षट विंशति पंच योजना शत विस्तार विंशति भागा योजना भरत क्षेत्र का विस्तार 526 योजन और एक योजन के 19 भाग करो तो उसके छह भाग प्रमाण है अपन लिखते हैं ना एक, एक बटा दो तो इसका अर्थ हो गया डेढ़ एक, एक बटा दो तो हो गया इसका अर्थ डेढ़ तो ये जो त्रिराशिक होती है वैसे यहां पर करना है यहां लिखना है 526 आगे लिखना है 6 बटा उन्नीस ये जो विस्तार होता है वो भरत क्षेत्र का विस्तार है और ये महायोजन है तद्विगुण द्विगुण विस्तार विदेहांता अब क्या करना है इसी को विदेह तक विदेहांता विदेह अंत में जिसके वहां तक वर्ष को भी और वर्षधर को भी वर्षधर अर्थात पर्वत अर्थात 526 सौ छब्बीस छह बटा उन्नीस ये था हमारा भरत क्षेत्र का विस्तार अब इसको डबल कर दो तो हिमवन पर्वत का विस्तार हुआ उसको डबल कर दो तो हिमवत क्षेत्र का विस्तार हुआ हरि क्षेत्र का भरत हिमवत का हिमवत का हुआ ऐसे डबल डबल करते चलना है कब तक कर रहा है विदय क्षेत्र आने तक तो फिर उसके बाद की व्यवस्था क्या है उत्तरा दक्षिण तुल्या उसके बाद के क्षेत्र दक्षिण के समान है मैं वापिस कह रहा हूं गोल का कोई भी एक छोर पकड़ लो और उससे उसके सामने वाले छोर तक जाइए जैसे गणितीय भाषा में कहते अपन परिधि बनाइए तो परिधि को जब तक आप मध्य रेखा तक ले जाते तब तक का विस्तार और मध्य रेखा के बाद मतलब मध्य तक जाएगा तब तक वो बड़ा बड़ा होता जाएगा भले और मध्य के बाद जब वो जाएगा तो कम कम होता जाएगा तो विरुद्ध क्रम हो गया इधर से बढ़ता हुआ क्रम है उधर से क्रम से घटता हुआ क्रम है तो उत्तरा दक्षिण तुल्या उत्तरवर्ती सारी व्यवस्था दक्षिण के समान है भरते रावत वृद्ध राश सम्यभ्याम भरत ऐरावत ये दो जो क्षेत्र है उनमें समय समयाभ्याम छह समयों में वृद्धि राश वृद्धि रास होता है और एक एक समय को अवसर पीणी उत्सर पीणी ये कहा जाता है जिसमें मनुष्य की आयु घटती है मनुष्य की ऊंचाई घटती है मनुष्य की बुद्धि घटती है उसे कहते अवसर पीणी और बढ़ती है उसे कहते उत्सर्पीणी घंटों का विषय है कि वैज्ञानिक इस विषय में क्या कहते हैं भौतिक शास्त्र इस विषय में क्या कहता है और जैन शास्त्र इसमें क्या कहता है घंटों का विषय है इस पर मेरा आलेख ही पढ़ना आवश्यक है अतः यहां पर विस्तार करने के बजाय आप उस आलेख को देख लीजिएगा तो कुल मिलाकर भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर और अवसर पीड़ी की अपेक्षा से छह बार वृद्धि और छह बार ह्रास होता है वृद्धि होने को उत्सर्णी काल कहते हैं और रास होने को अवसर पीणी उसके अतिरिक्त जो भूमिया ताब्याम उन दोनों को छोड़कर जो अपरा भूमया अन्य भूमिया है वो अवस्थिता वो एक जैसे रहती है अर्थात उनमें इस प्रकार काल परिवर्तन नहीं होता एक द्वि त्रि स्थित हेमवतक हारि वर्षक दैव पूर्व एक पल्ल्य पल्य शब्द तीन बार लगाना है एक पल्योपम स्थित द्विपल्योपम स्थित और त्रिपल्योपम स्थित ये हमने पल्योपम स्थित सबके साथ लगा के चर्चा की इनको क्रम से लगाओ हेमवत के जो जीव है यानी हिमवत क्षेत्र के जो जीव है उनकी आयु एक पल्ले की है हारी वर्षक की दो पल्ले की है और विदे क्षेत्र में कर्म भूमि के अलावा जो भोग भूमि है उसमें एक है देवकुरु दूसरा उत्तर कुरु इसमें से देवकुरु की स्थिति के मतलब देवकुरु में रहने वाले जीवों की स्थिति तीन पल्ले की है तराह अब जैसा गोले का नियम मैंने बताया था वलय का नियम बताया था वैसे ही समझना है तो उत्तर कुरु की होगी तीन पल्ले की हरण्यवत की होगी रम्यक की होगी दो पल्ले की हरण्यवत की होगी एक पल्ले की और जैसे जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र की स्थिति है वैसे ही मनुष्यों की स्थिति वृद्धि राश आदि ऐरावत क्षेत्र में पाया जाता है विदेशु संख्या काला लेकिन इसमें विदेश क्षेत्र के खंड की आयु तो बताई नहीं तो आचार्य महाराज कह रहे विदेश क्षेत्रों में संख्यात वर्ष की आयु होती है बर्त से विष्कम्बो जम्बू द्वीप से नौती पहले बताया गया था पांच सौ छब्बीस छह बटा उन्नीस ये भरत क्षेत्र का विस्तार है यहाँ कह रहे हैं कि जम्बू द्वीप को एक सौ नब्बे से भाग दो तो जम्बू द्वीप कितना था योजना शत सहस्त्र विष्कम्बो जम्बू द्वीप एक लाख योजन का जम्बू द्वीप है उस एक लाख योजन को एक सौ नब्बे से भाग दो तो जो भाग का उत्तर आएगा वह होगा पांच सौ छब्बीस छह बटा उन्नीस तो भरत क्षेत्र का विस्तार है फिर प्रश्न आएगा कि महाराज आपने ऐसा दो बार क्यों दिया तो वहां उसका सामान्य विस्तार दिया गया है और यहाँ उसका नाप बनाया गया है अब नाप बना करके आगे की बात करते हैं वीर धात की खंडे धातु की खंड में जो जो व्यवस्था भरत क्षेत्र में बताई गई है उससे दुगुनी दुगुनी व्यवस्था होगी। जैसे धात जम्बू द्वीप में एक मेरु पर्वत है धात की खंड में दो मेरु पर्वत है जम्बू द्वीप में सात क्षेत्र है धात की खंड में चौदह क्षेत्र है जम्बू द्वीप में छह पर्वत है धात की खंड में बारह पर्वत है मतलब यहां जो भी व्यवस्था बता रहे हैं द्वि कहा धात की खंड में पुष्करार्ध्य च यद्यपि पुष्कर द्वीप बहुत बड़ा है लेकिन उसके बीच में मानुष्योत्तर नाम का पर्वत है इसलिए पुष्कर का आधा भाग ही हम ग्रहण करते हैं और जब वो आधा भाग ग्रहण करते हैं तो आधे भाग में जो व्यवस्था है वो कैसी है तो द्वीर पुष्करार्ध्य तो द्वी ना दे करके इन्होंने च दिया क्यों क्योंकि द्वि का प्रयोग पहले कर चुके तो ये कहते हैं पुष्करार्ध्य च पुष्कर में भी उतनी ही है अर्थात जितनी की खंड में है प्रांग मानुष्योत्तरान मनुष्या मनुष्य कहां तक रहते हैं तो मानुष्योत्तर पर्वत के प्रांग पूर्व तक रहते हैं अर्थात मानुष्योत्तर पर्वत के बाद नहीं रहते आर्या मलेच्छाश्च मनुष्य के दो भेद आर्य मनुष्य और मलेच्छ मनुष्य गुणवानों के द्वारा या गुणों के द्वारा जो सेवा को प्राप्त होते हैं, है। है, हैं, हैं। है, उनको आर्य कहते हैं वैसे आर्य के दो भेद है रिद्धि प्राप्त आर्य और अनरिद्धि प्राप्त आर्य अर्थात जिनको रिद्धि प्राप्त है उनको रिद्धि प्राप्त आर्य कहते हैं जिनको रिद्धि प्राप्त है उनको अनरिद्धि प्राप्त आर्य कहते हैं रिद्धि प्राप्त आर्य के कई भेद है अनरिद्धि प्राप्त आर्य के पांच भेद है क्षेत्रार्य जात्यार्य कर्मार्य चारित्रार्य और दर्शन आर्य और मल्लेक्ष जो है जिनका आचरण जिनका खान पान जिनका रहन सहन हीन होता है उनको कहते हैं मलेच्छ भी दो प्रकार के अंतर अंतरद्वीप मिले और कर्म भूमि ज्लेच्छ टीकाकारों ने इनका बहुत अधिक विस्तार किया है क्योंकि इसमें ऋदियों का भी वर्णन है इसमें आर्यों के भेदों का वर्णन है अर्थात घंटों का विषय मिनटों में बता पाना संभव नहीं है तत्सबित हमारे लेख का ही अवलोकन करना आवश्यक है रावत कर्म भूमयो देव कुरुत्तर ये जो भूमिया है मतलब मध्य लोक की जो व्यवस्था है खास तौर से ढाई द्वीप की अर्थात मनुष्य लोक की इनको हम दो भागों में बांट देवे एक कर्म भूमि और एक भोग भूमि जहां पर असी मसी कृषि सेवा शिल्प और वाणिज्य के द्वारा आजीविका होती है उसको कर्म भूमि कहते हैं और जहां वांछित भोगों की प्राप्ति कल्प वृक्षों से होती है उनको भोग भूमि कहते हैं। तो कर्म भूमि कौन सी है तो उत्तर दे रहे हैं भरत ऐरावत और देव कुरु उत्तर कुरु को छोड़कर शेष हुआ विदे क्षेत्र ये सब कर्म भूमि है मोक्ष जाने की मूल पात्रता यही के जीवों में होती है कर्म करना कर्म भोगना ये सारे काम यही जीव करते हैं मुख्य रूप से बाकी तो कर्म भोगते हैं उनको कर्म करना अर्थात कोई विशेष कर्म वो नहीं कर पाते दृष्टिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते अब यहाँ पर ठीक से देखना है यहाँ जो स्थिति शब्द दिया है वो द्विवचन का है मनुष्यों की स्थिति अर्थात स्थिति का अर्थ आयु मनुष्यों की स्थिति और स्थिति को द्विवचन दिया है क्यों दिया हमें दो स्थितियां बतानी है कौन सी दो स्थितियां बतानी परास्थिति और अवरा स्थिति तो परा और अवरा दोनों को मिला दो तो स्त्री वचन में आकारांत स्त्रीलिंग हो तो द्विवचन में ए बन जाता है जैसे बाला बाले, बाला प्रथमा तो वैसे परावरा परावरे परावरा प्रथमा तो परा और अवरा दो मिलकर परावरे बना तो अब स्थिति शब्द विवचन क्यों हो गया ये समझ में आ गया होगा अब दो प्रकार की आयु बतानी है तो यहां भी हमें दो प्रकार करने पड़ेंगे तो पहले कर रहे हैं पमान पमा और दूसरा कह रहे अंतर मुहूर्त क्योंकि स्थिति का ये प्रकरण है इसलिए स्थिति स्त्रीलिंगी होने से आयु का जो प्रमाण दिया है वो भी स्त्रीलिंग में दिया है अतः यहां भी द्वि वचन है त्रिपल्योपमान मुहूर्ता मुहूर्ता ये प्रथमा विभक्ति के रूप बनेंगे तो यहां पर त्रिपल्योपम हो गई पर परास्थिति परास्तिति और अंतर मुहूर्त हो गई अवरा स्थिति अब इसमें एक स्थिति और बची जिसका नाम है मध्यमा स्थिति परास्थिति अवरा स्थिति और मध्यमा स्थिति तो मध्यमा स्थिति कैसे निकालनी है अंतर मुहूर्त में एक समय मिला दो यहाँ से मध्यम स्थिति बनना प्रारंभ होगी और तीन पल्ले में एक समय कम कर दो यहाँ तक मध्यम स्थिति रहेगी अर्थात अंतर जगन्य स्थिति से ऊपर एक समय मध्यम उत्तम स्थिति से कम एक समय यहाँ तक जितने विकल्प बनेंगे वो मध्यम आयु के विकल्प बनेंगे योनी में रहने वाले जो जीव है उनकी भी परा और कितनी है तो त्रिपल्ल्योपमान मुहूर्त मतलब अब हमें सूत्र कैसे बनाना है वो देख लीजिएगा आप, तो ये सूत्र सामने रख लो अब स्थिति की जगह यहां लिखो योनि जानाम स्थिति और बाकी सूत्र जो कि पेस्ट कर दो च के स्थान पर मतलब नृ के स्थान पर हमने क्या किया योनि जानाम ठीक और च के स्थान पर क्या किया स्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते च के स्थान पर इतना बड़ा सूत्र लिया तब जाकर के अर्थ बना तिरंचों की जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्ल्य की और मध्यम के विकल्प अभी मैंने बताए वो सारे मध्यम की स्थिति है इस प्रकार से तीसरे अध्याय में दो लोक का वर्णन पूरा किया अधोलोक और मध्य लोक इति मोक्ष शास्त्रे तृतीय अध्याय इस प्रकार मोक्ष शास्त्र में तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ